नमस्कार, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज हम अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड 206 सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसकी यूनिट है थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, उसके टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल। कंसिस्टेंसी क्या होती है सोइल की, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अपन जो है थोड़ा सा अपन टॉपिक है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कंसिस्टेंसी, क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एट सम पर्टिकुलर वाटर कंटेंट सोइल बिकम्स प्लास्टिक, है ना। ये कहना चाह रहा है मतलब जो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा होता है होती है, जिसमें जो है सोइल जो है प्लास्टिक हो जाती है। अब वो क्या जो होता है, आपको जो है फिगर 4.1 में दिखाया गया है। देखो आपको ये इसमें जो है इस वाली लिमिट तक क्या होता है, ये प्लास्टिक लिमिट होती है। WLL लिखा हुआ है। तो ये जो ग्राफ है, ये अपन इसके बारे में, इन चार स्टेजेस के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिक्विड स्टेट, और जो लिक्विड स्टेट होती है वो आपके लिक्विड लिमिट तक होती है। फिर प्लास्टिक स्टेज जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट तक होती है। फिर होती है सेमी सॉलिड, जो आपके सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट लिमिट के बीच में होती है। फिर होती है सॉलिड स्टेट। तो ये चार स्टेट हो गई, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कह रहा है द वाटर कंटेंट एट विच द सोइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज लिक्विड लिमिट। ऐसे वाटर कंटेंट पे जो है सोइल जो है किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, तो वो जो पर्टिकुलर वाटर की जो कंटेंट है जिसमें वो लिक्विड स्टेट से सोइल जो है प्लास्टिक स्टेज में जो है चली गई, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है लिक्विड लिमिट। जैसे मैंने इस ग्राफ में आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है, ये आपके ये WL लिखा हुआ है, इसमें जो है ये आपके लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेज में चली गई। इस पॉइंट के बाद में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है आपके, इस पॉइंट के बाद में ये इसकी स्टेज में चेंज हो गया, ठीक है। अब अपन दूसरा जो है डिस्कस करते हैं। देखो दूसरा है इसमें, इन अदर वर्ड द लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चीजेज टू बी लिक्विड। मतलब ऐसा वाटर कंटेंट जो है जिसमें जो है जिस सोइल जो है वो लिक्विड स्टेट में रहना चाहती है ना, उसके बाद में जो है वो वाटर कंटेंट जैसे ही जो बढ़ेगा तो वो प्लास्टिक स्टेज में, मतलब जो लिक्विड जो वाटर कंटेंट जैसे उसका कम होगा तो वो जो है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगी। द सोइल इन विच इन द प्लास्टिक स्टेट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप। अब जो सोइल है प्लास्टिक लिक्विड लिमिट में है तो वो जो है उसकी शेप जो है बिल्कुल लिक्विड लिमिट, मतलब लिक्विड स्टेट में है वो। जैसे सूप होता है, सूप जो आपके टोमेटो सूप या आपके जैसे मान लो कि शहद हुआ, तो ये जो मान लो कि ये स्टेट है, ये क्या है, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। ये अगर आपके प्लास्टिक स्टेज आ जाए, जैसे कि जिसमें मिट्टी हो ऐसी जो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं हो, बह ही नहीं मिट्टी, पानी ज़्यादा की मात्रा नहीं हो, बहे नहीं, तो वो क्या है कि उस स्टेज को जो है अपन जो प्लास्टिक स्टेज में अपन उसको मोल्ड कर सकते हैं मिट्टी को अलग अलग शेप में। जैसे उसका वाटर कंटेंट कम होगा, लिक्विड स्टेट में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्लास्टिक स्टेज में आएगा तो वाटर कंटेंट उससे थोड़ा कम होगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि अपन उस जो पर्टिकुलर सोइल का जो मिक्सचर है उसको अपन जो है अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एज द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, देखो जैसे इसमें आया ना कि एज द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस द प्लास्टिक प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल इज डिक्रीजेज, जैसे जैसे वाटर कंटेंट और डिक्रीज होगा तो वो जो है उसकी प्लास्टिसिटी जो लिमिट है वो भी चली जाएगी। अब प्लास्टिसिटी लिमिट के बाद में कौन सी लिमिट आती है वो अपन आगे अब डिस्कस कर रहे हैं। पहले जो है लिक्विड लिमिट थी, उसमें क्या था कि जो आपके वाटर कंटेंट ज़्यादा था, वाटर कंटेंट जैसे ही कम हुआ तो वो आ गया आपके प्लास्टिक स्टेज में, और प्लास्टिक स्टेज में आया तो अपन उसको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप में उसको कन्वर्ट कर पा रहे थे। अब जैसे ही और वाटर कंटेंट कम होगा सोइल में, उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली द सोइल पासिस फ्रॉम द प्लास्टिक स्टेज टू सेमी सॉलिड स्टेट, जैसे ही और वाटर कंटेंट कम होगा तो प्लास्टिक स्टेज से वो सेमी सॉलिड हो जाएगी, मतलब अर्ध ठोस हो जाएगी, मतलब न तो ज़्यादा मतलब प्लास्टिक रहेगी और न सॉलिड रहेगी, तो बीच की स्टेज आ जाएगी उसकी जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होगा, है ना। और क्या होगा उसमें टू द सॉलिड स्टेट वेयर द इट स्टॉप बिहेव लाइक ए प्लास्टिक, मतलब वो प्लास्टिक की का जो रूप है उसका वो ख़त्म होने लग जाएगा और उसको अपन अलग अलग शेप में भी फिर इतना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उसमें वाटर कंटेंट कम होता है वो सॉलिड हो जाते हैं, उसमें क्रैक डेवलप होने लग जाते हैं। आपने मिट्टी का कोई एक साँचा बनाया हो, मिट्टी में जैसे पानी मिला के आपने साँचा बनाया, उसमें पानी ज़्यादा होता है तो अपन उसको अलग अलग जो है शेप में ढाल लेते हैं, और जैसे ही उसका जो है वाटर कंटेंट कम होता है सूखने लगता है, वैसे वैसे आप देखा होगा उसमें श्रिंकेज मतलब उसमें क्रैक आने डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये स्टेज जो होती है जो उसकी किस स्टेज में कन्वर्ट होती है, प्लास्टिक स्टेज से वो जो है लिक्विड स्टेज मतलब सॉलिड सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने का साइन है ये। द वाटर कंटेंट एट विच सोइल बिकम सेमी सॉलिड इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। अब जो जिस वाटर कंटेंट पे जो सोइल है सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होने की लग जाए, वो जो लास्ट जो वाटर कंटेंट होता है वो उसका प्लास्टिक लिमिट होता है। जैसे अपन ने पहले इससे पहले देखा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में क्या था, जो जिस वाटर कंटेंट पे वो जो है लिक्विड से प्लास्टिक स्टेज में चला जाए वो उसकी लिक्विड लिमिट होती थी। अब इस केस में क्या रहा है कि ये प्लास्टिक स्टेज से ये सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाए वो वाटर कंटेंट क्या कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट, है ना। तो ये प्लास्टिक लिमिट हो गया। आगे देखो, इन अदर वर्ड द प्लास्टिक लिमिट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच सोइल जस्ट फेल टू बिहेव प्लास्टिक, मतलब वो वाटर कंटेंट जहाँ जिसके बाद जो है सोइल जो है प्लास्टिक स्टेज का रूप जो है वो ख़त्म हो जाए, उसमें होने लग जाए फेल हो जाए प्लास्टिक, वो नो लॉन्गर टू प्लास्टिक, उसके बाद वो प्लास्टिक नहीं रहे वो सेमी सॉलिड हो जाए, जस्ट वो पॉइंट जिसके बाद वो सेमी सॉलिड बिहेव करने लग जाए, तो वो होता है उसका प्लास्टिक लिमिट, है ना। आप कंफ्यूज नहीं होना, पहला था लिक्विड लिमिट, जिस लिमिट में लिक्विड के बाद में वो प्लास्टिक स्टेज में आ जाए, मतलब वो वाटर कंटेंट जिसके बाद जो है सोइल जो लिक्विड से प्लास्टिक बिहेव करने लग जाए, तो वो होता है लिक्विड लिमिट। अब इस वाले केस में क्या था, जो प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में जाए, तो वो जो वाटर कंटेंट जिसके बाद में प्लास्टिक से सेमी सॉलिड बिहेव करने लग जाए वो होती है उसकी प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर होता है, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, वो क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। द सोइल रिमेन्स प्लास्टिक व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जो सोइल जो है प्लास्टिक रहेगी किस वाटर कंटेंट के बीच में, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। देखो ये आपके, देखो ये लिक्विड लिमिट और ये प्लास्टिक लिमिट, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है आपके, ये वाला पूरा पोर्शन ये आपके प्लास्टिक स्टेज होगा,
देखो इस बीच इस लिमिट और इस लिमिट के बीच का ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है ये वाला, ये आपके प्लास्टिक स्टेज होगा, ठीक है। ये वाला आपके प्लास्टिक स्टेज में आएगा, यही वो कहना चाह रहा है। अब आगे देखो, अपन आगे देखते हैं, उसी में ये जो आपको ये कहना चाह रहा था, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सोइल। जो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ये फाइन ग्रेन सोइल की बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो है इंडेक्स प्रॉपर्टी है। जो फाइन ग्रेन सोइल में बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसी से जो अपना सोइल इंजीनियरिंग का बहुत जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अपन हर जो है ज़्यादातर एप्लीकेशन में सोइल इंजीनियरिंग के में अपने जो है ये इंडेक्स प्रॉपर्टी काम आती है। जो अपन प्लास्टिक लिमिट हुई, लिक्विड लिमिट हुई, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हुई, ये बहुत काम आती है जो फाइन ग्रेन सोइल होती है उसमें। व्हेन द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस बिलो द प्लास्टिक लिमिट, वो देखो पहले लिक्विड लिमिट था उसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस हुआ तो प्लास्टिक लिमिट, और जैसे जैसे और वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा, जैसे ये कहना चाह रहा व्हेन द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड बिलो द प्लास्टिक लिमिट, जो वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से भी और कम होगा तो वो क्या स्टेज आ जाएगी, सेमी सॉलिड स्टेट। पहले क्या था, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में वाटर कंटेंट जैसे जैसे लिक्विड लिमिट से कम हुआ वो प्लास्टिक जो है आपके स्टेट आ गई। अब ये प्लास्टिक स्टेज से भी और कम हो रहा है प्लास्टिक लिमिट से भी, तो वो सेमी सॉलिड स्टेट आ जाएगी। अपने सेमी सॉलिड स्टेट को आप समझ सकते हो कि जैसे आपके पहले वो सूप या शहद जैसा था, फिर वो हुआ आपके जो आपके देखो ये हुआ, फिर आपके हो गया वो बटर जैसा, मतलब वो आपके बटर के जैसे मुलायम हो गया, बटर होता है ना जैसे घी या बटर जो भी है उसकी तरह हो गया, तो ये, और फिर हुआ आपके सेमी सॉलिड स्टेट में आपके पनीर जैसे, तो वो स्टेज आ गई इसकी। पहले आपके था सूप जैसा, सूप या शहद जैसा, फिर वो कैसा हो गया थोड़ा सा उससे ज़्यादा हार्ड हल्का सा, और कम हुआ तो वो हो गया बटर जैसा हो गया, और फिर वो और उसमें प्लास्टिक से सेमी सॉलिड आया तो वो आपके पनीर जैसा हो गया या चीज़ जैसा हो गया, है ना। अब आगे देखो उसमें क्या होगा कि इस स्टेज में क्या होगा कि आपको बताया था मैंने कि सोइल क्रेक वेन मोल्ड, मतलब इस स्टेज में क्या है, सोइल सेमी सॉलिड स्टेट को अटेन करेगी तो जिस जैसे वो सूखती जाएगी उसमें क्रेक अब डेवलप होने लग जाएंगे, तो ये सेमी सॉलिड स्टेट की निशानी है। इन द सेमी सॉलिड स्टेट द वॉल्यूम ऑफ द सोइल डिक्रीज विथ डिक्रीज इन वाटर कंटेंट। अब सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि द वाटर कंटेंट वाटर वॉल्यूम ऑफ सोइल डिक्रीजेज, जो सोइल का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा क्योंकि उसमें पानी कम होता जा रहा है ना, वो डिक्रीज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जैसे जैसे कम हो रहा है वो कम होता जाएगा, पर वो कहाँ तक कम होगा, टिल ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वो जहाँ जब तक होगा जो कि जब तक जो है रिडक्शन इन वाटर कंटेंट जो है पानी में की मात्रा जिस कम होगी तो वो क्या है कि वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा उसके वॉल्यूम ऑफ सॉइल के, वो जो सॉइल के आयतन में वो कोई अंतर नहीं कर पाए, इतनी स्टेज तक वो डिक्रीज करता रहेगा वॉल्यूम को वाटर कंटेंट, जब तक वो उसके जो वाटर कंटेंट का जो इफेक्ट है ख़त्म ना हो जाए कि वो उसके वॉल्यूम को और कम कर सके, उस स्टेज तक वो उसमें कम होता रहेगा। अब आगे देखो, द सोइल इज सेड टू हैव रीच्ड ए सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट कब आएगी कि सॉलिड से सेमी सॉलिड से अब क्या आएगा सॉलिड सॉलिड स्टेट। देखो अब ये सॉलिड स्टेट वापस देखो आपको बताता हूँ, ये देखो सॉलिड स्टेट, इसमें पहली स्टेज थी आपके ये वाली, इससे पहले वाली ये, दूसरी स्टेज इसके और इसके बीच में ये वाली, तीसरी स्टेज आपके आ गई ये वाली, ये इसके और इसके बीच वाली, ये जब प्लास्टिक लिमिट से सेमी सॉलिड में आया। अब अगली स्टेज क्या होगी कि वो सेमी सॉलिड से सॉलिड, तो ये वाला जो लिमिट होती है ये होती है आपके श्रिंकेज लिमिट, ये अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो आप
द सोइल इज सेड टू बी हैव रीच सॉलिड स्टेट इन सॉलिड नो एप्रिसिएबल चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व विथ चेंज इन वाटर कंटेंट। अब जैसे पिछली तीन स्टेज में हुआ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी सॉलिड स्टेट, तो उनमें क्या है कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम हुआ तो उनके वॉल्यूम में चेंज आया। और इसमें क्या है कि कोई जो है इतना बड़ा चेंज कुछ होता नहीं है इसमें, जैसे कि पहले की तीन जो है चेंज हुए। द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चेंज फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड इज नोन एज श्रिंकेज लिमिट। अब जिस वाटर कंटेंट पे जो है सोइल जो है सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में जाती है वो वाटर कंटेंट कहलाता है श्रिंकेज लिमिट, है ना। बिलो द श्रिंकेज लिमिट सोइल डज नॉट रिमेन सेचुरेटेड, मतलब जो श्रिंकेज लिमिट के नीचे जो है सोइल जो है सेचुरेटेड नहीं होती रहती है फिर, है ना। एयर एंटर इनटू द वॉइड्स ऑफ सॉलिड, अब जो वो सेचुरेटेड नहीं रहती है तो उसके जो वॉइड्स में है ना वो एयर एयर जो है घुस जाती है। हाउएवर बिकॉज ऑफ कैपिलरी टेंशन डेवलप्ड दिस वॉल्यूम ऑफ सॉइल डज नॉट चेंज। अब उसमें क्या है कैपिलरी जो है टेंशन डेवलप हो जाती है इसलिए वॉल्यूम सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज होता नहीं है, कि जैसे उसमें पहले सेचुरेटेड है फिर एयर एंटर हो गई तो वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, पर उसमें क्या है कि कैपिलरी एक्शन टेंशन की वजह से वॉल्यूम सॉइल में कोई चेंज होता नहीं है। दज श्रिंकेज लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टॉप श्रिंकेज फर्दर एंड अटेन ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब मतलब जो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है कि वो वाटर कंटेंट उसके बाद में सॉइल जो है श्रिंक करना बंद हो जाती है, मतलब श्रिंकेज जो करेगा या क्रैक्स जो डेवलप होते हैं वो उसमें फिर उसके उस स्टेज के बाद में होते नहीं है, वो क्या है कि एक कांस्टेंट जो वॉल्यूम है वो गेन कर लेती है। द श्रिंकेज लिमिट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लोएस्ट वाटर कंटेंट एच विच सॉइल इज़ फुल्ली सेचुरेटेड, मतलब बहुत जो एक सबसे कम वाटर कंटेंट होता है जिसमें जो सॉइल है पूरी तरह सेचुरेटेड हो जाए वो कहलाती है उसकी श्रिंकेज लिमिट, बिल्कुल एक लोएस्ट वाटर कंटेंट जिसमें जो सॉइल है सेचुरेटेड हो जाए ये उसका श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। अब जो ये फिगर में आपको बार बार दिखा रहा था 4.1 सोन सडन चेंज इन स्टेट ऑफ सॉइल एट डिफरेंस कंसिस्टेंसी लिमिट, ये कंसिस्टेंसी लिमिट सी है इनकी जिस पे वो क्या है कि स्टेट चेंज कर रहा है। एक्चुअली द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेज इज ग्रेजुअल, है ना, इनके जो है ट्रांजिशन स्टेट है वो ग्रेजुअल है, पहले देखो चेंज हो रहा है ना ग्रेजुअल। तो द कंसिस्टेंसी लिमिट आर डिटरमाइंड रादर आर्बिट्ररी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब क्या है जैसे मैंने आपको बता रहा था इसको क्या है कि सिंपल इसे समझ सकते हैं कि जैसे लिक्विड स्टेट थी उसमें सॉइल क्या है कि लिक्विड स्टेट में जो प्लास्टिक आने से पहले वो एक सौंप थी, सौंप जो टोमेटो सौंप होता है ये होता है तो वो था या शहद था, है ना वो था। अब जो लिक्विड स्टेट में ये कंडीशन थी उसकी कि सौंप है ये, अब वो जैसे ही प्लास्टिक स्टेज में आएगा तो आपने बटर देखा होगा, मक्खन देखा होगा, मक्खन जो मक्खन जो है शहद से थोड़ा सा जो है गाढ़ा होता है तो वो स्टेज वो उसकी हो गई प्लास्टिक स्टेज, जिसमें अपन जो है उसको जो है सॉइल को जो है अलग अलग रूप में डाल सकते हैं, मतलब जो प्लास्टिक स्टेज में जो सॉइल बहेगी नहीं मतलब फैलेगी नहीं, लिक्विड स्टेज में लिक्विड जाता होता तो वो फैलने की तरह रहती है। अब क्या है प्लास्टिक स्टेज के बाद में आती है सेमी सॉलिड, तो प्लास्टिक स्टेज में क्या था बटर था मक्खन था, अब सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि अपन एग्जांपल से समझेंगे, सेमी सॉलिड स्टेट में वो जो है आपके पनीर जैसा हो गया मान लो कि वो ऐसा है कि वो थोड़ा सा जो है हार्ड हो गया उससे बिल्कुल एक उसको आप अब जो है आप अलग अलग साँचे में ढाल नहीं पाओगे। अब सेमी सॉलिड स्टेट के बाद में वो आता है सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में कैसा होगा कि वो मक्खन है, मक्खन का मान लो कि आप स्वरूप चेंज हो रहा और सूख गया वो एक चॉकलेट की तरह हो गया, कैंडी की तरह हो गया, आपके एक्लेयर्स की तरह हो गया कि वो हार्ड हो गया, है ना। तो ये इनकी चार स्टेज है जो आपको मैंने एग्जांपल से समझाया और ये आपको इसमें चार्ट मैंने बताया कि आपके कहाँ से कौन सी स्टेज होती है। देखो आपको पहली स्टेज है ये,
ये लिक्विड स्टेट है, इससे पहले वाली स्टेट जो ये है ये लिक्विड स्टेट है, और इसके बीच में ये प्लास्टिक स्टेज रहेगी, और ये वाला जो पॉइंट है जिसके बाद वो प्लास्टिक जो है हो जाता है, ये लिक्विड लिमिट हो गया, ये इसकी प्लास्टिसिटी लिमिट हो गई, ये इसकी श्रिंकेज लिमिट हो गई, इनके बीच में ये सेमी सॉलिड रहेगा, इसके बीच में ये प्लास्टिक रहेगा, इसके बीच में ये सॉलिड रहेगा। तो ये आपके तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।